दोस्तों क्यों लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर मॉलिव्स के लोग अपना क्लेम करते थे? देखिए कभी इस पर चेरा एम्पायर ने रूल किया तो कभी ये चोलाज के कंट्रोल में रहा। ओरल ट्रेडिशन के मुताबिक 16th सेंचुरी में यहाँ पर मॉलिव्स की दो प्रिंसेस आईं, जिन्होंने यहाँ रहने वाले अर्लियर इनहेबिटेंट्स तिवारू को रिप्लेस किया एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन की एंसेस्टर्स बन गई। बट ये कहीं भी क्लियर नहीं कि किस टाइम पीरियड में मलिकॉय यानी कि मिनिकॉय मॉलडीवियन किंग्स के अंडर था। दोस्तों अली राजाज ऑफ मालाबार की वजह से मिनिकॉय को प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लैकेडी वायलेंस यानी कि लक्षद्वीप में होने वाले ट्रेड की तरह यहाँ पर भी अपनी मोनोपोली को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। फाइनली 1752 में अली राजाज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये कुछ टाइम पोर्टुगीज और टीपू सुल्तान के अंडर रहा, और 1875 से लेकर भारत के आजाद होने तक ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, एंड उसके बाद 1956 में हुए रेफरेंडम में यहाँ के मेजॉरिटी लोगों ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया।